हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं सन स्ट्रोक के बारे में शेयर करते हैं। सन स्ट्रोक को हीट स्ट्रोक भी कहते हैं और हिंदी में इसको लू लगना भी बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम मोस्टली जो है समर सीजन में होती है, और जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाती है या उसके ऊपर भी हो जाती है, तो ऐसे एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में ये प्रॉब्लम होती है। और इसमें क्या होता है कि जब काफ़ी देर तक कोई भी पर्सन इस टेम्परेचर में रहता है, वर्किंग में रहता है, काफ़ी देर तक बाहर निकला हुआ है, तो इस टेम्परेचर में ये सन स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये मोस्टली समर सीजन में होती है, जब काफ़ी देर तक जो है इस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में कोई भी पर्सन रहता है, तो उसको जो है ये सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक या हीट इंजरी की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। अब देखते हैं इसके सिम्टम के बारे में। तो सिम्टम में देखते हैं कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, हाई बॉडी टेम्परेचर हो जाता है, नौजिया और वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, इसमें जो है मिचली भी आ सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है, और इसका एक फ्लश्ड स्किन होती है, यानी स्किन से इसमें जो है जैसे चमक पैदा होती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन भी ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से जो है ये इसमें स्किन में गरम गरम जैसा एहसास होगा, चमक जैसी एहसास होगी, और सांस रैपिड ब्रीदिंग होती है, यानी सांस तेज़ी से लेगा, जल्दी जल्दी सांस लेगा, और जो है इनकी पल्स रेट बढ़ जाती है, पल्स रेट इंक्रीज कर जाती है, और मेनली हेडेक की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब प्रॉब्लम इसके सिम्टम होते हैं। इसके कॉज की बात देखें तो इसका कॉज में नंबर एक होता है कि एक्सपोजर टू ये हॉट इन्वायरमेंट, यानी हॉट इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में जब कोई भी पर्सन आता है, जब गर्म वातावरण के एक्सपोजर में आता है, काफ़ी देर तक कोई बाहर रह रहा है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी की सीजन है, तो ऐसे एक्सपोजर में जाने पर फिर ये प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं, या एल्कोहल ड्रिंकिंग करने पे भी सन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है, और जो है बिकमिंग डिहाइड्रेटेड, यानी डिहाइड्रेशन बॉडी का हो जाए, यानी पानी की कमी हो जाती है, तो पानी की कमी होने से भी सन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसमें देखते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो इसमें वैसे तो बहुत ही मेडिसिन होती हैं, लेकिन ये है कि तीन मेडिसिन हम शेयर करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। नंबर एक इसमें होती है एकोनाइट, दूसरी ग्लोनोइन होती है, तीसरी लेक्सिस मेडिसिन होती है। तो एकोनाइट में क्या होता है कि कोई भी जैसे बाहर निकला, टेम्परेचर ज़्यादा के एक्सपोजर में निकला और उसके बाद फिर घर पे लौट के आया, तो उसको लौट के आते ही उसको प्रॉब्लम शुरू हो जा रही है, हेडेक हो जा रहा, फीवर हो जा रहा है, और ये सब दिक्कत हो रही है, नौजिया मिचली ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ये सब हो जा रही है, यानी सडन प्रॉब्लम होती है उसमें, यानी जैसे कि एक्सपोज में हुआ उसके तुरंत बाद प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे केसेस में एकोनाइट अच्छा काम करती है। एकोनाइट में फियर ऑफ डेथ होता है, फियर ऑफ डेथ काफ़ी होता है, उसको लगता है पेशेंट को अब तो हम तो मर जाएंगे, बल्कि वो कभी कभी तो वो टाइम भी प्रिडिक्ट कर देता है, और रेस्टलेसनेस होती है, काफ़ी बेचैनी होती है एकोनाइट के पेशेंट में, थ्रस्ट ज़्यादा रहती है, उसको प्यास ज़्यादा लगी रहती है, तो ये सिम्टम जो है एकोनाइट के होते हैं। अगर ये सिम्टम मिल रहा है तो एकोनाइट मेडिसिन 30 या 200 पावर में कम से कम दिन में 2-3 बार, अगर लिक्विड में है तो 4-5 बूंद पानी में डाल के, अगर गोली में है तो चार गोली जो है दिन में 3-4 बार दिया जाए, तो जो भी सन स्ट्रोक की प्रॉब्लम रहती है वो सही हो जाती है। दूसरी मेडिसिन इसमें होती है ग्लोनोइन मेडिसिन। ग्लोनोइन मेडिसिन में खास सिम्टम होता है हेडेक का सिम्टम होता है, और इसमें जो क्या होता है कि हाइपरीमिया हो जाती है, यानी हेड में ब्लड कंजेशन हो जाता है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो सिर भारी भारी काफ़ी लगने लगता है, ब्लड स्टोरेज ज़्यादा हो जाता है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो सिर काफ़ी भारी भारी लगता है, सिर उसको बड़ा भी लगने लगता है, तो ऐसे केसेस में ये ग्लोनोइन मेडिसिन अच्छा काम करती है। तो ग्लोनोइन मेडिसिन में अगर हेडेक हो रहा है सन स्ट्रोक के बाद और सिर भारी भारी लग रहा है, और जो है लगता है कि कुछ भरा हुआ है, इस तरीके की अगर फीलिंग हो रही है, तो वहाँ पे फिर ये ग्लोनोइन मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। इसमें तीसरी मेडिसिन होती है लेक्सिस मेडिसिन। लेक्सिस मेडिसिन की प्रॉब्लम मोस्टली लेफ्ट साइडेड होती है, यानी लेफ्ट साइडेड की कंप्लेंट है, तो वहाँ पे लेक्सिस मेडिसिन सोच सकते हैं, और इसमें हाइपर सेंसिटिव होता है पेशेंट, यानी ज़रा से उसको छूने पे, ज़रा से जैसे अगर हेडेक हो रहा है तो सिर को छू लेने से
टच कर लेने से तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और लेक्सिस की प्रॉब्लम जो होती है वो सो रहा है पेशेंट यानी ड्यूरिंग स्लीप यानी सो रहा है सोने में उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अगर इस तरीके के सडन स्ट्रोक की प्रॉब्लम मिल रही है कि जैसे सोने में उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जा रही है या उसको छूने से उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है और लेफ्ट साइडेड की प्रॉब्लम अगर है तो वहाँ पे ये लेक्सिस मेडिसिन 30 या 200 पावर में कम से कम दिन में दो बार लिया जाए तो जो भी सन स्ट्रोक की प्रॉब्लम रहती है धीरे धीरे करके सही हो जाती है। तो दोस्तों सन स्ट्रोक के बारे में जो कुछ हमने शेयर किया उसको लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।